अल्लाम वरहमत लाबरक अलहमदिल्लात वाल रसूल अम्माबाद इस्लामी और दीनी भाइयों फिरा जो एक जाबर बागी और सरकश बादशाह था मिस्र का एक मरतबा वो अपने महल में बैठा हुआ था कि हजरत मूसा सलात जिनकी उम्र यूँ ही पाँच ये छे बरस रही होगी खेल रहे हैं और खुश हैं हशाश हैं बशाश हैं फिरा उनकी तरफ मायल हुआ उसके दिल में नरमी पैदा हुई और उसने हजरत मूसा सलातलाम को अपने पास बुलाया और गोद में उठा करके ऊपर नीचे मूसा सलातलाम के साथ खेलने लगा हंसने और हंसाने लगा कि अचानक हजरत मूसा सलाम ने फिरा की दाढ़ी के पांच बाल नोच डाले फिरा घबरा गया और इस कदर गुस्सा हुआ आग बगूला हुआ तेश में आ गया गजब में आ गया फौरन हुक्म दिया कि इस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए लगता है यही बच्चा है जो आगे चल करके मेरी हुकूमत को तहस नहस करेगा जरत मूसा का और उनको कत्ल किए जाने का ये दूसरा इरादा ने किया पहला इरादा विलादत से पहले। लेकिन ने उनको उसमें भी बचा लिया दूसरा इरादा जब हजरत मूसा सलात ने फिराउन की दाढ़ी के पांच बाल जोर से उखाड़ लिए बच्चे होते हैं ना दाढ़ी अगर होती है दाढ़ी से खेलते हैं अब जिनकी बिचारों की दाढ़ी नहीं तो बच्चे उनके साथ कैसे खेलेंगे आप खुद अंदाजा लगाइए मालूम यह हुआ कि पिछले दौर में पिछली शरियातों में मर्द की अलामत दाढ़ी रखना हुआ करती थी फिरौन के पास भी दाढ़ी थी हालांकि मुलहिद है वो अथीस्ट है काफिर है लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास दाढ़ी है आप अंदाजा लगाइए तो दाढ़ी ये मर्द की अलामत है अल्लाह ने औरतों के चेहरों पर दाढ़ी नहीं उगाई है क्योंकि औरत की खूबसूरती इसमें है कि उसके चेहरे पर दाढ़ी ना उगे और मर्द की खूबसूरती की अलामत यह है कि उसके चेहरे पर दाढ़ी उगे इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं हमारे मुआषणे में पाए जाते हैं कि जिनके चेहरे पर सिरे से बेचारों के दाढ़ी का एक बाल भी नहीं होता है कुदरती तो अजीब सा उनका चेहरा लगता है खैर इधर फ्रौन तैश में आ गया गुस्सा में आ गया और दूसरी मरतबा मूसा सलातम को कत्ल करने का आजम किया इरादा किया लेकिन फिर से आसिया बिनते मुजाहिम ने हजरत मूसलात सलाम के ताल्लुक से फ्र से कहा कि ये बच्चा है अब इसको शूर कहाँ है अभी कहाँ तमीज कर पा रहा है फिरा नहीं माना कहा ठीक है अगर आप जानना ही चाहते हैं तो एक काम कीजिए एक खजूर लीजिए और एक आग का शोला लीजिए बच्चा अगर खजूर को उठाए तो गोया कि उसके यहां शऊर है तमीज है उसको कत्ल कर देना लेकिन अगर वो जमर आग के शोले को उठाए तो गोया के उसके यहाँ शऊर और तमीज नहीं है लिहाजा उसको आपको छोड़ देना है ने कहा ठीक है हुक्म दिया खजूर और आग का एक शोला लाया गया मूसा सलाम ने अपना हाथ खजूर की तरफ बढ़ाया लेकिन हजरत ले सलाम ने उनका हाथ आग के शोले की तरफ बढ़ा दिया और जैसे ही आग का शोला उन्होंने अपने हाथ में उठाया उसको अपनी जुबान पर रख लिया मुंह में रख लिया अल्ला अकबर। छोटा सा बच्चा है आप जानते हैं बच्चों की आदत होती है कि कोई भी चीज हो वो हाथ में उठा करके उसको डायरेक्ट मुंह में लेते हैं और यही मामला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है आग का शोला फिर उसको हाथ से उठाया हाथ जला होगा और फिर एक छोटा मासूम बच्चा फिर साथ ही उसको मुंह में रख लेना जुबान जल गई होगी और यही वजह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में उकदा पैदा हो गया यानी गिरह यानी उनकी ज़ुबान में तुतलाहट आ गई उनकी ज़ुबान में लुकलत आ गई इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान जो थी वो साफ सुथरी नहीं थी और उसी तरफ उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी जब अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जाओ फिराउन की तरफ जाओ तो उन्होंने क्या कहा था रबली सदरी वरली अमरी वाह उतमसानी अः तो मेरी जुबान की ग्रह को खोल दे ये उसी तरफ इशारा है जो बचपन में हजरत मूसा सलातम ने आग का अंगारा अपने हाथ में उठा करके अपने मुंह में रख लिया था जिसकी वजह से उनकी ज़ुबान जल गई थी खैर फिर ने अपना इरादा तर्क कर दिया कत्ल करने का छोड़ दी उधर हजरत मूसा सलात जवान हो गए अल्लाह रब्बुल कुरान मुकदस में फरमाता है वलमा बलगा वस्तवा और जब हजरत मूसा सलात अपनी ताकत वत को पहुंच गए और, और जबरदस्त तंदरुस्त हो गए सेहतमंद हो गए हट्टे कट्टे हो गए अल्ला फरमाता आतना हमने उनको नबूवत और इल्म से सरफराज फरमाया वकदालिक नजज़िल मुहसिनीन और इसी तरह हम मुहसिनों को बदला देते हैं अल्लाह फरमाता है ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان موسى عليه الصلاة والسلام शहर में दाखिल हुए कि सारे के सारे लोग सोए हुए थे यानी ऐसा वक्त था जिस वक्त लोग बाहर ना निकल रहे हों चाहे वो रात का वक्त हो सकता है या ये दोपहर के बाद का वक्त हो सकता है अल्लाह आलम फवजद फवदी हाजू मूसा सलात ने शहर में दो आदमियों को पाया एक किनारे दो आदमियों को पाया तिलान दोनों झगड़ रहे एक हजरत मूसा सलात सलाम की कौम यानी बनी इसराइल में से था दूसरा मूसा सलात सलाम कि कौम में से नहीं था वो किबती था यानी की कौम में से था दोनों झगड़ रहे तो जो हजरत मूसा सलात की कौम में से था उसने मूसा सलात से मदद मांगी कि मुझे इस किबती से छुटकारा दिलाइए दिलाई मिन आलिमिन तो जो उनकी कौम में से था उसने मूसा सलातलाम से मदद मांगी उस शख्स के खिलाफ जो उनका दुश्मन था यानी किबती एक नुकता एक इलमी फायदा कि अगर कोई शख्स जिंदा हो और वह किसी शख्स की मदद करने पर कादिर हो तो ऐसे शख्स से फरियाद तलब करना मदद तलब करना जायज है लेकिन वह आदमी जो किसी शख्स की मदद करने पर कादिर ना हो खा वो मरा हुआ हो उससे आदमी मदद तलब कर रहा है मैय से मुर्दार से कब्र वाले से मदद तलब कर रहा है तो ये हराम है जायज नहीं बल्कि ये शिरक है क्योंकि ये इबादत है मदद सिर्फ अल्लाह से तलब की जाएगी इसी तरह वह जिंदा शख्स जो किसी की मदद तलब करने पर कादिर ना हो ऐसे शख्स से भी इसगासा करना जायज़ नहीं है मिसाल के तौर पर किसी आदमी से कहे किसी फला बाबा से कहे कि आप बारिश बरसा दीजिए वो जिंदा तो है लेकिन उस पर कादर नहीं है लिहाजा ऐसे शख्स से इस्तगासा करना भी जायज नहीं है लेकिन हां उस शख्स से इस्तगासा किया जा सकता है जो जिंदा हो और उसकी मदद करने पर कुदरत रखता हो और हजरत मूसा सलाम ने उस शख्स की मदद की क्योंकि वो ताकतवर थे कुदरत रखते थे और जिंदा थे कितनी ताकत अल्लाह ने दी थी एक घूसा मारा किबती के मर गया काम तमाम कर दिया एक घूसे में इस कदर ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलाम को तो दी थी अल्लाह फरमाता वो ढेर हो गया वहीं पर एक भूसे में भाई कितनी ताकत और कुत अल्लाह ने हजरत मूसा सलात को अता की थी <laughs> सलात तो पैगंबर है नबी है रसूल फौरन कहने लगे ये तो शैतानी अमल है क्योंकि किसी नफ्स को कत्ल करना ये किसी भी शरीयत में इसकी इजाजत नहीं दी गई है हर शरीयत में इसको हराम करार दिया गया है कि शैतान तो दुश्मन है और खुल्लम खुल्ला गुमराही में मुब्तला करने वाला है फौरन अल्लाह आलमीन से माफी मांगी क्या कहते हैं रब्बी इन्नी जलम तू मेरे रब मैंने खुद पर जुल्म किया है तू मुझे बख्श दे ला। ने उन्हें बख्श दिया कतल कर डाला उस किबती को कतल कर डाला तो घबरा गया डर गए क्योंकि किबती है और फिर में से है वो किबती जो था काफिर था मुशर था हुआ ये बहा फिल मदीन मदीना में शहर में मूसा सलात डरते हुए सुबह सुबह दाखिल हुए फैदस्तन तो जो बड़ी इसराइल का शख्स जिसने कल हजरत मूसा सलात से मदद तलब की थी कि, कि से उसका छुटकारा दिलाए आज वो फिर किसी दूसरे से झगड़ रहा है तो कहम में कुछ ऐसे झगड़ालू होते हैं मूसा सलात जान गए कि जरूर जो है यह शख्स गुमराहू मूसा सलात ने उससे कहा तू तो खुल्लम खुल्ला गुमराह आदमी लगता है तो यही अब उनके खिलाफ हो गया कहा मूसा क्या चाहते हो मुझे कत्ल करना चाहते हो उसी तरह जिस तरह तुमने फला किबरती को कल कत्ल किया था तो कुछ कौम में मुनाफिक लोग भी रहते हैं फॉर्म पलट जाते हैं मफाद परस्त लोग होते हैं कुछ लोग आप देखते हैं अपनी कौम में अपने मुआरे में अपने समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हो रहे थे जब तक उनके फायदे की बात होगी साहब आपसे मिलेंगे आपको मुंह दिखाएंगे आपका चेहरा देखेंगे आपके सामने मुस्कुराएंगे तबस्सुम फरमाएंगे जैसे ही उनका फायदा खत्म हो गया आपके दुश्मन मन जाते हैं यही मामला इस शख्स का भी था अब क्या कह रहा है इसी पर इक्तफा नहीं बल्कि क्या कह रहा है मूसा ऐसा लगता है तुम जमीन में सरकशी करना चाहते हो जिसको छुपाना चाहिए था उसको खोल दिया उसने उसने कोशिश की कि मूसा की जो कल की बात थी उसको खोल दे और खोला उसने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि उसने कहा मूसा ऐसा लगता है तुम जमीन में सरकशी करना चाहते हो जुल्म करना चाहते हो ज्यादी करना चाहते हो लोगों के साथ मुझे तो नहीं लगता कि तुम नेक लोगों में से हो इस्लाह करने वालों में से हो अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है वजा अल्लाह फरमाता है कि शहर के एक दूर खित्ते से इलाके से एक शख्स दौड़ा दौड़ा आया कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं दूसरों का फायदा चाहते हैं वो मफाद परस्त नहीं होते मतलब परस्त नहीं होते बल्कि खैर खाही करते हैं दूसरों के साथ और ये खैर खाही ये नसीहत ये लोग दिल से करते हैं इत्तिफाक से इस कौम में एक शख्स ऐसा भी निकला इत्तिफाक से कि बड़ा अच्छा आदमी था और कहने लगा मूसा इन तमिरून का लियख तुलसा तुम्हें पता है कि हुकूमती कारिंदे तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं अंदर अंदर क्या साजिश है लियतुलूक ताकि तुम्हें कत्ल कर डाले तुम्हारे, तुम्हारे कत्ल करने की साजिश हो रही है साहब तुम्हें कुछ पता भी है निकल जाओ इन्नी नासन मैं आपके लिए खैर खा लोगों में से हजरत मूसा सलात घबरा गए जहर सी बात है हजरत मूसा सलात बशर हैं इंसान हैं और ये तबी खौफ है जो हर शख्स के अंदर पाया जाता है अगर कोई शख्स सुने के वहां साजिश हो रही है कत्ल करने की मुझे तो आदमी घबरा जाता है भाई और आदमी अब छुपने की भी कोशिश करेगा हर शख्स ऐसा है ये बशरी तकाजा है खौफ तबी हर शख्स के यहाँ पाया जाता है के नबियों और रसूलों के यहाँ भी पाया जाता है जैसा कि सलाम डर गए घबरा गए लेकिन इनका जो खौफ तबी होता है वो उनके अल्लाह के ताल्लुक पर गालिब नहीं आता है जनाब फौरन अल्लाह अबीन से दुआ कर बैठे क्या कह रहे हैं रबनी कौम ए मेरे रब तू मुझे जालिम कौम से नजात दे दे बचा ले उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन बात सुनी दुआ की और शहर से बाहर निकल लिए चलते रहे रात होती कहीं आराम फरमाते सुबह होती तो चलना शुरू कर देते कोई मुसाफिर तो थे नहीं अचानक वाला सफर है न लिबास है न ज्यादे राह है न खाने पीने की चीजें मुहैया हैं कुछ नहीं है बस निकल लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब कर ली अल्लाह मुझे जालिम कौम से नजात दे दे बचा ले खत्म निकल लिए फौरन अल्लाह पर कामिल यकीन है अल्लाह पर कामिल ईमान है कि अल्लाह बचाने वाला है हजरत मूसा वहां से निकले सवारी भी नहीं है कोई बगैर सवारी के चल रहे हैं चलते 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 एक दूसरी हुकूमत में दाखिल हो गए यह हुकूमत जो थी मिस्री हुकूमत से बाहर थी मिस्री हुकूमत के जो हदूद थे वो खत्म हो चुके थे अब ये दूसरी हुकूमत मदियन जिसको कहा जाता है की थी? मदियन के हुदूद थे, वहां पहुंचे चाश्त के वक्त ये एक हरे भरे सायेदार दरख्त के नीचे लेट गए अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा है अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है

वह जदा अलई तो उन्होंने उस चश्मे पर लोगों की एक जमात को पाया एक गिरोह को पाया या के वो लोग अपने जानवरों को सैराब कर रहे हैं पानी निकाल रहे हैं वह वो जदाद तीन तजूदान और मूसा सलात ने उनके अलावा दो और औरतों को पाया जो अलग थलग खड़ी हुई थी और अपनी बकरियां चला रही थी पालमा खतबु मूसा अल्लात सलाम ने सवाल किया पूछा कि एक तरफ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं पी रहे हैं और भर रहे हैं कुएं से निकाल रहे हैं खींच रहे हैं और दूसरी तरफ ये दो औरतें हैं लड़कियां हैं दो शीजाएं हैं अलग थलग खड़ी हैं अपने जानवरों को चला रही हैं तो मूसा अलसलात सलाम ने मालूम किया क्या बात है क्या मसला है सह सी बात बहुत सारे लोग हों और दो लड़कियां जवान लड़कियां हों और वहां साइड से खड़ी हो तो मूसा सलात ने मुनासिब समझा कि उनसे पूछ लिया जाए हाल चाल पूछ लिया जाए मसला क्या है उन्होंने कहा क्या हम अपने जानवरों को सैराब नहीं करते हैं पानी नहीं पिलाते हैं यहां तक के ये चरवाहे पानी भर ले और अपने जानवरों को पिला दे और वहां से चले जाए वो अब न शेखुन कबीर इसी पर इतफा नहीं किया उन्होंने मजीद वजाहत की कि देखो हम क्यों आती हैं वजह बताई उन्होंने का हमारे वालिद साहब जो हैं तो बहुत बुजुर्ग हैं इसलिए हमें इस चश्मे पर आना पड़ता है और जानवरों को पानी पिलाना पड़ता है और जानवरों के लिए पानी को भरना पड़ता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी इस बात को सुना तो आगे मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जवाब को सुनने के बाद क्या हमल किया इनशाला हम उस तल्लु से अपने अगले एपिसोड में आपके सामने गुफ्तगू करेंगे नाजरीन तब तक आपसे इजाजत चाहते हैं व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें